So, hello dear students of class 6th. Today we are going to start the poem Kite. First, let's know about the poet of the poem. And the poet is Harry Van. You can see the picture. I always show the picture so that you can memorize by picturization. Okay, so let's now move to the actual poem. First, this poem is from your book Honeysuckle, and I already told you in the last chapter what is the meaning of honeysuckle. Honeysuckle is a flower which is very beautiful. It comes in yellow color and also in white color. So let's now move to the poem. The kite. Kite, आप जानते हैं क्या होता है? Kite मैंने होता है पतंग. आप सब ने कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी. अगर नहीं भी उड़ाई है या आप नहीं उड़ा सके मेरी तरह, क्योंकि मैं आज तक भी पतंग नहीं उड़ा पाया हूँ. बहुत कोशिश करी पर मेरी पतंग कभी उड़ती नहीं. तो अगर नहीं भी उड़ाई होगी तो आपने उड़ती हुई पतंग जरूर देखी होगी या किसी के साथ मदद जरूर करवाई होगी पतंग उड़ाने में. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हमें सबको पसंद है पतंग को उड़ाना. फ्लाई काइट मतलब पतंग उड़ाना. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी कोशिश की है किसी पतंग को उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. जो kite है उसकी story को पढ़िए कि कैसे वो आसमान में उड़ती है. How bright on the blue is a kite when it's new? कितनी bright होती है, कितनी चमकदार होती है. Bright मैंने होता है चमकदार. तो कितनी चमकदार होती है on the blue. ब्लू का मतलब क्या है? नीले, नीला आसमान. तो ब्लू का यहाँ पर मतलब आसमान से है. तो देखिए जो पोएट हैं वो अपने हिसाब से किसी भी पोएम के मीनिंग को सुंदर करने के लिए या राइम को बनाने के लिए अपने हिसाब, बिकॉज अ पोएट इज द मास्टर ऑफ हिज पोएम. जो पोएट होता है वो अपनी पोएम का मास्टर होता है और वो कुछ चेंजेस जरूर कर सकते हैं. तो देखिए जो ब्लू है उसकी राइमिंग बनाने के लिए न्यू के साथ, ब्लू न्यू, ठीक है, तो ये राइम बनाने के लिए इसको ब्लू यूज किया गया है. इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो जब काइट नई होती है तो ब्लू स्काई में वो कितनी सुंदर लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप. क्या करती है वो? डाइव करती है, गोते लगाती है, ठीक है, डुबकी लगाती है. कभी देखोगे नीचे जाएगी फिर फटाफट से ऊपर जाएगी. एंड अ डिप, और फिर क्या करेगी? डिप करेगी. तो ऊपर कभी जाएगी कभी नीचे जाएगी. इट स्नैप्स इट्स टेल. तो अपनी टेल को क्या करती है? वो स्नैप करती है. फटाफट का जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है उसे स्नैपिंग बोलते हैं. कड़क भी स्नैप का मतलब होता है. यहाँ पर इसका मीनिंग यूज किया गया है कि बड़ी तेजी के साथ जो स्विफ्ट मूवमेंट होते हैं, तेज जो मूवमेंट होते हैं उससे उसकी टेल मूव करती है, लहराती है हवा में. देन सोर्स लाइक अ शिप. और फिर क्या करती है? सोर्स लाइक अ शिप. एक शिप की तरह सोर कर जाती है. सोर कर जाती है मतलब ऊंची उड़ान भर जाती है, निकल जाती है. विद ओनली अ सेल. तो अब शिप कैसी होती है? जिसमें सेल होता है. और ये सेल क्या है? ठीक है, ये देखिए. तो ये शिप है, एक ओल्ड शिप है. ये एक ओल्ड शिप है और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसके सेल्स हैं. सेल्स का मतलब क्या होता है? पाल. तो पाल क्या होते हैं? पाल बेसिकली किसी भी शिप के वो भाग होता है जिसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता है और फिर वो शिप को आगे लेकर के जाते हैं. तो इस शिप के इन पालों के ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता है और ये शिप आगे जाती है. और अगले वाला पाल अगर आप खोल दोगे तो ये जो शिप है मुड़ने लग जाएगी. तो इन पालों का उपयोग किया जाता है शिप को मोड़ने के लिए, शिप को आगे पीछे चलाने के लिए. Then soars like a ship with only a sail. जिसका क्या है? केवल सेल है, केवल सेल है. और उसकी तरह आप अगर आप देखें तो जो काइट है वो भी तो हवा में क्यों जाती है ऊपर? क्योंकि उसके ऊपर जैसे कि इन पालों के ऊपर हवा का दबाव पड़ता है वैसे ही किसके ऊपर? काइट के ऊपर भी हवा का प्रेशर पड़ता है और काइट उड़ती है आगे की ओर. As over tides. अब जब हवा की जो धारा होती है, टाइड मैंने धारा, हवा की जो धारा है जब वो तेज हो जाती है, ऑफ विंड इट राइट, सो ये क्या करती है? और दूर जाती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब द शिखर, ऊंचाई पर पहुंच जाती है. ऑफ अ गस्ट. गस्ट तेज हवा का झोंके के लिए यूज किया जाता है. देखो जो वर्ड आप गस्ट यूज कर रहे हैं, ये गस्ट जो वर्ड है ये 12th क्लास में भी यूज किया गया है. अगर आप 12th क्लास में एलिमेंट्री स्कूल
क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ेंगे, तो उसमें शुरुआत में ही गस्टी वेव्स करके शब्द यूज किया गया है। तो आप देखिए सिक्स क्लास में भी आप ट्वेल्थ क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और क्या करती है फिर ये जब तेज हवा का झोंका आता है तो ये क्लाइम्स टू द क्रस्ट, बहुत ऊंचा उड़ती है, और पुल्स फिर जो अपने उसका धागा है, जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उसको खींचती है। Then seems to rest as wind falls, और जैसे ही क्या हवा कम हो जाती है तो क्या करती है, ये रेस्ट करती है, ये आराम करती हुई दिखती है, क्योंकि जब हवा नहीं होती तो आपको पता है जो पतंग है वो उड़ती नहीं है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। When string goes slack, you wind it back, और जो स्ट्रिंग है, जब जो धागा है, क्या होता है धागा, मांजा जिसे आप कहते हैं, तो जब वो स्लैक हो जाता है, स्लैक मतलब जो स्लैक का परफेक्ट मीनिंग है वो निर्बल है, तो निर्बल का मतलब क्या हुआ, जब जो धागा है जब वो ढीला पड़ जाता है, यू वाइंड इट बैक, आप क्या करते हैं उसको फटाफट से रोल कर देते हैं, किससे, अपने मांजे से। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और आप तब तक भागते रहते हैं जब तक कि नई विंड जो है वो ब्लो करना शुरू नहीं कर देती, जब दोबारा से नई ब्रीज जो है, विंड है जो, वो आना शुरू नहीं कर देती, हवा का जो नया झोंका है जब तक वो दोबारा नहीं आता तब तक थोड़ी उड़ती है काई, तो फिर आप उसका इंतजार करते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर जैसे ही आप उसे ऊपर की ओर धक्का देते हैं और हवा आ रही होती है, आप ऊपर की ओर पतंग को उछालते हैं, तो उसके जो विंग्स हैं वो क्या फिर से फिल अप हो जाते हैं हवा से, और हियर इट गोज, और फिर वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, अब कितनी ब्राइट लगती है, कितनी सुनहरी लगती है एक काइट आसमान में, इट्स काइट व्हेन इट्स न्यू, जब ये नई होती है। बट अ रॉकडर थिंग यू नेवर विल सी, बट आप क्या नहीं देखोगे, अब जो रॉकडर का मीनिंग होता है वो होता है चिथड़े, फटी पुरानी, कैसी, फटी पुरानी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि ये देखिए ये क्लोथ है, अब ये फटावा जो इसका भाग है इसको कहा जाता है रॉकडर क्लोथ, ये काइट ऐसे करके जब ये फट जाती किसी पेड़ में फंस करके या किसी रूप में, तो ऐसी काइट को क्या आप उड़ते हुए देखते हैं आसमान में, नेवर विल सी, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक फटी पुरानी जो काइट है, जो खराब काइट है, वो आसमान में उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती। तो वही बोल रहे हैं पोएट, बट अ रॉकर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये क्या करती है, फ्लैप करती है, इसकी जो स्ट्रिंग है जब वो किसी पेड़ पर फंस जाती है तो क्या करती है, ये फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है। तो ये बहुत सुंदर एक पोयम है हैरी बहन के द्वारा, जो इस पोयम का मैसेज है वो देखिए क्या है, लाइफ में बैड टाइम्स होंगे, गुड टाइम्स होंगे, चीजें आपके फेवर में होंगी, कभी आपके फेवर में नहीं होंगी, तो आप क्या करते हैं, जब चीजें आपके फेवर में होती हैं यू फ्लाई, बट व्हेन दे आर नॉट इन योर फेवर आप रेस्ट करते हैं, यू वेट फॉर द राइट टाइम, ऐसा नहीं कि आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप राइट टाइम का वेट करते हैं और फिर से हवा चलती है, फिर से ब्रीज चलती है, फिर से गुड टाइम आता है, चीजें आपके फेवर में होती हैं, कंडीशन अच्छी होती हैं, एंड यू अगेन मेक योर फ्लाइट, और आप फिर से उड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब चलते हैं इस पोयम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ओर। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम, डाइव, डिप, स्नैप, और भी कुछ वर्ड्स इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने एक वर्ड फाइंड आउट किया है ब्लोज, इट शुड बी ब्लोज। सो डाइव का मतलब क्या होता है, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है, डिप का मतलब नीचे की ओर आना, स्नैप्स एंड ब्लोज, तो ब्लोज का मतलब बहना। अब क्या होता है एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आर द वर्ड जिसमें कुछ काम किया गया होता है, तो आपको इस पोएम के अंदर बहुत सारे और भी ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है और फिर उनको लिखना है, यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे घर से, कोई प्रॉब्लम आएगा तब आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से इन लाइन्स को पढ़िए, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, ठीक है, ये पढ़िए आप दोनों लाइंस को। द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप, देन सोर्स लाइक अ शिप, आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट, मूवमेंट किसका, एक बिना पूंछ की पतंग का,
इज कंपेयर्ड, उसको की तुलना की गई है टू अ शिप, एक किससे, समुद्री जहाज से। देखो ध्यान से देखो एक बार, मैं थोड़ा सा ऊपर आपको वापस ले जाता हूं पोएम पर। देन सोर सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। अब ये क्या करती है, सोर लाइक अ शिप। आप एक चीज को देखो, क्या पतंग कभी जहाज की तरह उड़ सकती है? जहाज की तरह नहीं, जहाज बिल्कुल अलग तरीके से, और वो भी समुद्री जहाज जो है वो तो बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ता है, और जो पतंग है वो तो बिल्कुल अलग तरीके से। हाँ कॉन्सेप्ट एक है, बट दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो काइट है उसको कंपेयर किया गया है, उसकी फ्लाइट को कंपेयर किया गया है एक शिप की फ्लाइट से। तो जब भी माई डियर स्टूडेंट्स कभी भी किसी दो वर्ड्स के बीच में लाइक या फिर एज यूज कर करके कंपेयर किया जाता है, तो वहां पर सिमिली एक लिटररी डिवाइस है जिसको यूज में माना जाता है। मतलब लिटररी डिवाइस क्या होता है, अब आप बोलेंगे लिटररी डिवाइसेज वो कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से पोएम की ब्यूटी बढ़ाई जाती है, पोएम को और सुंदर बनाया जाता है, करेक्ट। इनको पोएटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है। तो जब भी किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा, लाइक या एज यूज करके किसी काम को दूसरे किसी डिफरेंट किसी और काम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाएगा, देन वी विल कॉल दैट सिमिली इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन। अभी व्हाट वी हैव टू डू, Can you suggest what or who the following actions may be compared to? अब हमें देखना है कि ये जो हमारे कुछ sentences हैं, ये किसके साथ compare किए जा सकते हैं? He runs like, हम कह सकते हैं a tiger. He runs like tiger. ठीक है? He runs like tiger. वो किसकी जगह? चीता की तरह भागता। He eats like an elephant, वो हाथी की तरह खाता है। She sings like bird, it shines like sun, it flies like an eagle. What you have to do now? You have to find one more words. You will remove these all the words. ठीक है? You will remove them all and you will fill it with new words. So this is your homework. One more work is there to make a kite. If you do not have this material in your house, don't make the kite. But if you have something from which you can make the kite, then making a kite is your homework. Why I'm not telling you to make the kite? Because it's the time of lockdown and I don't want you to go outside, nor the government, nor the rules want you to go outside. So that's why if you have something in your house, then make the kite. So do all these question and answers. If you'll have any problem, then comment under the video. You can directly contact me. I would like to help you. I will come again with another video very soon. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep practicing.